मंजिलों पर पहुंचकर लेंगे हिसाब रास्तों का। है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों राधे राधे, मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एमसीक्यू मास्टर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम ला रहे हैं आपके लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास सेशन। अब से आप और हम प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे अभ्यास करेंगे टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको इन प्रश्नों के सही जवाब मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा आपको बताना है हमारे आंसर बताने से पहले। आइए प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का खेला कौन बनेगा गवर्नमेंट जॉबधारी। क्वेश्चन एक, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। और आपका समय शुरू होता है अब। The answer is D अरबों ने। क्वेश्चन दो, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is C जहांगीर। क्वेश्चन तीन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ए विलियम जोंस, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is B चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन चार, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। ए अंटार्कटिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशियाओ, डी दक्षिणी अमेरिका। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is A अंटार्कटिका। क्वेश्चन पाँच, जापान की मुद्रा है। ए डॉलर, बी रेमबी, सी यूरो, डी येन। और आपका समय शुरू होता है। And the answer is D येन। क्वेश्चन छह, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ए जुरासिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना महाद्वीप। और आपका समय शुरू होता। And the answer is D गोंडवाना महाद्वीप। क्वेश्चन सात, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। ए मक्का, बी सोरगम, सी प्याज, डी सोयाबीन। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is C प्याज। क्वेश्चन आठ, भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। ए 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 1 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आपका समय शुरू होता है। And the answer is C 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नौ, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ए पहली, बी तीसरी, सी दूसरी, डी पांचवीं। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is A पहली। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से किस तिथि से जीएसटी लागू किया गया था? ए 1 जनवरी 2016 से, बी 1 जनवरी 2017 से, सी 1 जुलाई 2017 से, डी 1 अप्रैल 2019 से। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is C 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन 11 भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। ए अप्रैल मार्च, बी जुलाई जून, सी अक्टूबर सितंबर, डी जनवरी दिसंबर। और आपका समय शुरू होता है। And the answer is B जुलाई जून से। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन 12 पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक है। ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी एम विश्वेश्वरैया, डी दादा भाई नौरोजी। और आपका समय शुरू होता है अब। The answer is D दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 13 द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घनत्व, डी वाष्प दाब। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is A पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन 14 येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है। ए हेरोइन का अपरिष्कृत रूप, बी कोकीन का अपरिष्कृत रूप, सी यूरेनियम ऑक्साइड, डी अशोधित सोना। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is सी यूरेनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। ए लिथियम एवं पारा, बी लिथियम एवं ऑस्मियम चेकमार्क, सी एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, डी एल्यूमिनियम एवं पारा। और आपका समय शुरू होता है। The answer is B लिथियम एवं ऑस्मियम। क्वेश्चन 16 सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। ए 30 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 40 ग्राम, डी 46 ग्राम। और आपका समय शुरू होता है। And the answer is डी 46 ग्राम। क्वेश्चन 17 किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is डी विटामिन डी। क्वेश्चन 18 भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है। ए हैदराबाद में, बी लखनऊ में, सी कोयम्बटूर में, डी वायनाड में। और आपका समय शुरू होता है। And the answer is बी लखनऊ में। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ए देहिंग पत्काई नेशनल पार्क, बी रायमोना नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी उपर्युक्त सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। And the answer is डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 20 G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। ए इंडोनेशिया, बी ब्राजील, सी भारत, डी साउथ अफ्रीका। और आपका समय शुरू होता है। आंसर इज सी भारत। और ये है आज का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है अभी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों को करके निश्चित ही आपको मजा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने मित्रों और भाई बहन के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन्स पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे सेम टाइम सेम जगह मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।